वेलकम टू दिनेश ब्रदर चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी पार्ट वन एग्जामिनेशन के 2016 में जो केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ था उसका रिव्यू करें। ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना होता है और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 33 दिए हुए होते। इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 6 नंबर होते, सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जबकि सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें एवरी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एवरी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन ए में। जैसा कि दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चन, यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन लॉन्ग दिए हुए होते हैं जिनमें से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, ड्राइव द इक्वेशन एंड डिफाइन द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली मेटर वेव रिलेशन एंड गिव्स इट्स इस क्वेश्चन पेपर का पेज नंबर 2 यह है। डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए एवं इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति की डी ब्रॉगली तरंग पदार्थ के संबंध के आधार पर समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ Ab2, Ab3, Ab4, Ab5 एंड Ab6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग VSEPR थ्योरी, यानी कि VSEPR सिद्धांत का उपयोग करते हुए Ab2, Ab3, Ab4 तथा Ab6 प्रकार के अणुओं की संरचना को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए पार्ट्स और बी पार्ट्स, जिसमें से ए पार्ट से व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट इट, इसको प्रभावित करने वाले कारक तथा समझाइए हाउ डज इट चेंज अलोंग अ ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के आवर्त तथा समूह में ये किस प्रकार परिवर्तित होता है, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन केमिकल बिहेवियर, रासायनिक व्यवहार में इसका प्रयोग का वर्णन कीजिए। बी पार्ट, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सप्लेन नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, समझाइए। इसके और यानी अथवा में राइट व्हाट आर हाइब्रिडाइज, हाउ आर दे क्लासिफाइड, डिस्कस ब्रीफ आयनिक हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइड्स एंड मेटेलिक हाइड्राइड। इस पेपर का पेज नंबर 3, हाइड्राइड क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, आयनिक हाइड्राइड, अणु हाइड्राइड तथा धात्विक हाइड्राइड का संक्षेप में वर्णन कीजिए, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्सो फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन, जेनॉन के फ्लोराइड तथा ऑक्सो फ्लोराइड के बनाने की विधियों एंड संरचना के बारे में बताइए, अथवा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी, बी रेडियस रेशियो रूल, सी पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, डी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आ जालक ऊर्जा एवं विलायकन ऊर्जा, ब त्रिज्या अनुपात नियम, स ध्रुवण शक्ति एवं आयनों की ध्रुवता, द हाइड्रोजन बंधों के प्रकार। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर ओनली 5 इन ब्रीफ, एवरी आंसर मस्ट बी इन अबाउट 100, निम्नलिखित में से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में होना चाहिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ वाई रूल एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली कम इन 4f और 5d, आवाई नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले 4f में आएंगे या 5d में जाएंगे। बी व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल,
अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए। सी व्हाट इज श्रेंडिगर वेव इक्वेशन एंड गिव सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। श्रेंडिगर तरंग समीकरण क्या है तथा साई और साई स्क्वायर का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर डी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक एवं सहसंयोजक बंध में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर ई एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम एवं मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध समझाइए। क्वेश्चन नंबर एफ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियोलाइट। जियोलाइट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 CO इज ग्रे गैस व्हाइल SiO2 सॉलिड व्हाई। एक्सप्लेन CO2 गैस है जबकि SiO2 ठोस है क्यों समझाइए। क्वेश्चन नंबर H एक्सप्लेन बॉर्न हैबर चक्र को समझाइए। I क्वेश्चन नंबर डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ CO मॉलिक्यूल एंड ड्रॉ द MO डायग्राम। आल्सो CO अणु को अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए तथा इसका आणविक आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर J व्हाट आर पॉलीहैलाइड्स एक्सप्लेन इट। पॉलीहैलाइड क्या होते हैं इनको समझाइए। सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से एक का सही आंसर हमें बताना है। जैसे कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ए सोडियम एटम। बी अमोनियम आयन। सी सॉल्युबल सोडियम। डी सॉल्युवेंट इलेक्ट्रॉन। द्रव अमोनिया में सोडियम विलयन का नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से यानी विलय इलेक्ट्रॉन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स इज नॉट फाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोराइड नहीं पाया जाता। NF5 नहीं पाया जाता। Which of the following molecules has bond order 2.5? निम्नलिखित अणु में से किसका बंध क्रम 2.5 है NO का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 Which of the following elements show inert pair effect? निम्नलिखित में से किस तत्व में अक्रिय युग्म प्रभाव पाया जाता है। XEF4 shows hybridization. XEF4 का संकरण होता है। SP3D2 होता है।